हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार है। आज मैं आपको बताऊंगा हॉट वर्क परमिट के बारे में कि जी आप जहाँ पे काम करते हैं, फायरमैन हो, फायर ऑफिसर हैं, जो भी हैं सेफ्टी ऑफिसर हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस बिल्डिंग हो, चाहे फैक्ट्री है, चाहे कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे काम ऐसा होता है जिससे आग लगने की खतरा है। समझ में आ गया? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल ऐसी होती है जिसके अंदर आग लगती है, जैसे शाफ्ट के अंदर आग लग सकती है। तो वो क्या होता है कि जैसे कोई वेल्डिंग कर रहे हो, कोई भी ऐसा कार्रवाई कर रहे हो जिससे कि आग लग सकती है, किसी वस्तु में आग लग सकती है, वो आग बड़ा हो सकता है। तो वहाँ पे हमें क्या करता है, उस आग ना लगे, उस सुरक्षित तरीके से काम हो और उस काम को प्रॉपर मॉनिटर किया जाए। अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसका जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन उसका जिम्मेदार होगा, इस सब चीज़ को एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है, एक रिकॉर्ड होता है। क्योंकि किसी भी फैक्ट्री कहीं भी आग लग जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार लोग उससे पीछा छुड़ा लेते हैं, बोलते हैं जी मेरी गलती नहीं थी, वो स्टाफ बोलता है मेरी गलती नहीं थी। कहीं ना कहीं नुकसान मालिक की हो जाती है, फैक्ट्री के मालिक की हो जाती है। तो वहाँ पर एक सिस्टम बना होता है कि उसमें अगर कोई काम हो रहा है तो उसको देख रेख करने के लिए एक कंप्लाइंस होता है। कंप्लाइंस मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं परमिट। कई प्रकार के परमिट है, खतरे के हिसाब से वो परमिट बनाया जाता है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ हॉट वर्क परमिट के बारे में। किसके बारे में? हॉट वर्क परमिट मतलब जहाँ पे आग से खतरा होता है उसके लिए एक परमिट बनता है जिसका नाम है हॉट वर्क परमिट। परमिट का एक इस टाइप का एक फॉर्मेट होता है, परमिट का इस टाइप का एक फॉर्मेट होता है, जिसे हो सकता है आपने अलग टाइप का फॉर्मेट देखा होगा। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मेट एक मतलब एक एग्जांपल दूंगा कि एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट मतलब एक फॉर्म होता है जिसको भरना पड़ता है। तो फॉर्म में कई लोगों के साइन होती है, जो काम कराता है उसका साइन होता है, जो काम करता है उसका भी साइन होता है, और सेफ्टी ऑफिसर जो फायर सेफ्टी ऑफिसर है उसकी भी साइन होती है। ठीक है, तो हर एक सुरक्षा का जो चीज़ें होती है उस पर लिखा होता है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ किस टाइप का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट का मतलब यही कंप्लीट नहीं है, मैं आपको एक थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मेट का ऊपर का हिस्सा पे क्या क्या लिखा होता है। तो सबसे ऊपर लिखा था हॉट वर्क परमिट, क्योंकि ये हॉट वर्क परमिट के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके ऊपर लिखा रहता परमिट नंबर, आपके बिल्डिंग में जितने भी परमिट होता है उसको अलग अलग सीरियल नंबर दिया जाता है। तो मान लीजिए परमिट नंबर 104 है, कितना 104, मतलब कई बार हॉट वर्क परमिट बना हुआ है तो इसको बोलते हैं हॉट वर्क परमिट। कई जगह क्या करते हैं, उस परमिट का अलग अलग कोड भी रखते हैं। तो जैसे हॉट वर्क परमिट है, इसको हम बोल दिए H 104, H मतलब हॉट वर्क परमिट नंबर 104। ठीक है, अब डेट जैसे मान लीजिए कोई, अब जैसे आज का डेट है, डेट मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 तारीख है, आज गांधी जयंती 2 अक्टूबर है। उसके बाद यहाँ लिख दिया 10वां महीना है, 2 अक्टूबर 2020, जो हमारे ख्याल से लाइफ का सबसे बुरा साल है 2020, कोरोना टाइम पे सबकी नौकरियां जा रही है इस टाइम 2020। समझ में आ गया आपको? ये आपने सिर्फ परमिट नंबर लिख दिया, टाइम डाल दिया, सॉरी डेट डाल दिया, उसके बाद क्या करना है, टाइम डालना है। टाइम मतलब वो काम कब से कब होगा, ये नहीं कि किसी भी टाइम आके कर रहे हो, उनकी मर्जी, ऐसे नहीं चलेगा। इसका टाइम मान लीजिए 9:32, 9:30 से शाम को, यहाँ पे ये ना भूले AM लिखना है। ठीक है, फिर 3 बजे तक। ठीक है, एक चीज और ध्यान दें कि जो हॉट वर्क परमिट है वो एक दिन में एक ही बनता है, ये नहीं कि 4-5 दिन का परमिट एक ही बार बन गया, ऐसा नहीं होता। जैसे कुछ घंटों का ही परमिट होता है, वो टाइम डलता है। अगर ये टाइम बढ़ाना होता है तो फिर एक परमिट बनता है, या फिर टाइम डाल के उस पर लोगों का थोड़ा ही सिग्नेचर होता है। वैसे स्टैंडर्ड यही है कि फिर एक परमिट बनेगा अगर टाइम बढ़ाना हो तो। ठीक है, क्लियर है? तो सब कुछ सोच समझ के एक टारगेट होता है कि इतने टाइम में ये काम होगा, तो इतने बजे तक ये काम होगा, वो सेफ्टी ऑफिसर के नॉलेज में रहता है, वो उसको देख रेख सब कुछ करता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट का मतलब क्या काम होगा, किस चीज में होगा। तो हमने हॉट वर्क मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि वेल्डिंग होगा, कटिंग होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया HVAC मतलब या फिर DG डीजल जनरेटर हो गया, पाइपलाइन हो गया, फायर पाइपलाइन होगा, कहीं वेल्डिंग होना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया AC मतलब यहाँ AC HVAC प्लांट, मतलब HVAC प्लांट जो होता है, जो AC वाला एक प्लांट होता है उसमें काम करना होता है, मतलब प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया उसमें काम होना है, ठीक है। लीज मतलब, लीज का मतलब हो गया कि ये कौन सी कंपनी के द्वारा हो रहा है, हो सकता है कोई कंपनी हो जिसके द्वारा हो रहा है, हो सकता है कोई टेनेंट के द्वारा हो रहा है आपके प्रमाइसेस के अंदर, तो उसका नाम जरूर लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में किराएदार है या फिर हमारी कंपनी खुद का ये काम करा रही है, तो यहाँ पे लिख दिया जैसे टाटा, मान लीजिए हम टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लीज बोलो टाटा इसका मालिक है, मतलब लीज देने वाला है, ठीक है, टाटा, समझ में आ गया। उसके बाद वेंडर मतलब कौन सी कंपनी इसको काम कर रहा है, समझ में आ गया। अगर सेल्फ है तो यहाँ पे सेल्फ लिख देना है, टाटा ही लिखना है, अदरवाइज कोई बाहर का वेंडर आके काम कर रहा है तो वहां पे लिख देना है उस कंपनी का नाम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दुर्गा चाहे दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड लिख दिया, ठीक है। तो मैंने दुर्गा कंपनी का नाम, जो वेंडर है उसका नाम दुर्गा है और प्राइवेट लिमिटेड, समझ में आ गया। तो ये वेंडर के कंपनी का नाम हो गया। अब ये नेम ऑफ सुपरवाइजर मतलब उस कंपनी का कोई जो काम कर रहा है उसको सुपरविजन कौन कर रहा है, कोई तो उस कंपनी का बंदा होगा, इंजीनियर होगा, जो भी होगा रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसका नाम अजीत है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अजीत नाम है, ठीक है, मैंने उसका नाम लिख दिया, ठीक है। कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, अब ये भी देना है कि इस जो वेल्डिंग हो रहा है, एक वेल्डिंग करेगा तो उसके अगल बगल और भी बंदे रहेंगे, और भी सपोर्ट में काम कराएंगे, कोई उठाए कुछ भी करेगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 स्टाफ काम कर रहे हैं। कितने, 4, समझ में आ गया, 4 स्टाफ काम कर रहे हैं, अजीत सुपरवाइजर है, और अजीत का कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ मैंने लिख दिया 9650440 और यहाँ पर लिख दिया 840, मतलब ये नंबर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हूँ, हो सकता है किसी भाई का नंबर हो तो बुरा ना माने, ठीक है। तो इस टाइप का नंबर आपने अजीत का इसमें डाल दिया कि उसे कॉन्टेक्ट कर सकते। लोकेशन लिखना ना भूले, अभी इस फॉर्मेट में एक लोकेशन लिखा जाएगा कि वो जो काम हो रहा है उतना बड़ा एरिया है, किस लोकेशन पर होना है, यहां लिख देना है ग्राउंड फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, मेन गेट एरिया, मेन गेट, और कोई लोकेशन है तो लोकेशन प्रॉपर आप लिख सकते हो। तो ये आपने क्या किया, एक फॉर्मेट का सारा कुछ लिख लिया, समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, नीचे होता है ऑथराइज सिग्नेचर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मैंने बताया इस परमिट का जो ऊपरी हिस्सा में होता है, फॉर्म फिलअप करते हैं मेन पेज, उस पे सारा कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि उसके ये भी एक ऑप्शन होगा, उसके नीचे लिखा जाएगा सिग्नेचर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर हो गया, मतलब जो सेफ्टी ऑफिसर या फायरमैन चाहे जो कोई है इस जगह को विजिट करेगा, मतलब उस जगह को विजिट करेगा, चेक करेगा जहां पे काम होना है कि सेफ्टी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका सबसे पहले यहां साइन होगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये जैसे आपको परमिट है, ठीक है, परमिट का मेन पेज पे इस टाइप का एक फॉर्मेट, एक आइडिया मैंने बताया आपको कि इस टाइप का होगा, जिसमें परमिट का नाम लिखा रहेगा, सारा प्रोजेक्ट का डिटेल लिखा रहेगा कि कौन फर्स्ट पार्टी है, कौन सेकंड पार्टी है, कौन करा रहा है काम को, ठीक है।
उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं क्या करना है। अब दोस्तों क्या होगा कि हॉट वर्क परमिट हो गया, मैंने बताया था कि सारा कुछ लिख दिया गया। अब आगे चलते हैं, उस जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म होता है, फॉर्म के निचली हिस्सा में ये लिखा होता है कि सिग्नेचर, मतलब कि इस काम को परमिशन कौन दे रहा है, इस काम को परमिशन करने वाला कौन है, और मतलब वो प्लांट का जो हेड है वो है, जो भी मतलब जो अथोराइज लोग होते हैं बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग चाहे कंपनी चाहे प्लांट हो गया, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे उनका सिग्नेचर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया रिप्रेजेंटेटिव वेंडर, मतलब जो उसको जो काम करा है वेंडर, वो क्या करेगा, उसका सिग्नेचर होगा, मतलब जो वेंडर है, जो भी उसका जिम्मेदारी है, जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि जी इसको मैं मुझे काम करना है, चाहे हो सकता है कोई बाहर के वेंडर हो सकता है कोई कंपनी के अंदर का कोई स्टाफ हो जो जिम्मेदारी ले रहा है कि जी मुझे ये काम करना है, समझ में आ गया, हो सकता है इंजीनियर हो, कोई भी हो, तो उनका सिग्नेचर होगा मनोज कुमार करके, चाहे जो भी उनका नाम है, ठीक है, उनका साइन होगा क्योंकि वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर, मतलब उस इसका जो है उस काम का जिम्मेदारी कौन ले रहा है, सेफ्टी ऑफिसर वो काम नहीं करा रहा है, फायर ऑफिसर वो काम नहीं करा रहा है, क्योंकि फायर ऑफिसर सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी है कि सेफ्टी से वो काम होना, ना कि काम कराना। तो काम कौन करा रहा है, किसके ऑर्डर से वो काम हो रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर होता है। जैसे कोई बिल्डिंग का इंचार्ज है, जो मतलब उस काम का प्लान बनाया है, वो काम कराना है, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर। इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि वो काम को कराना है, वो किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए उस काम का प्लान जो बनाया है, जिसके अंडर में वो काम आता है, वो उस मैनेजर का साइन होगा, उनका नाम है राजेश कुमार, ठीक है, उनका सिग्नेचर हो गया, समझ में आ गया। मतलब जो मैनेजर है, जो काम करेगा, उसका भी सिग्नेचर हो गया, इंजीनियर का भी सिग्नेचर हो गया, कि जो काम की करते हुए देख रेख करेगा, जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे वेंडर, जैसे जो वेंडर है, जो काम करेगा, जो कंपनी काम करेगी, चाहे जो कुछ है, मैंने बताया था इंजीनियर भी हो सकता है आपके बिल्डिंग के अंदर, अभी बाहर का भी बंदा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता प्लांट मैनेजर, मतलब जो उसका हेड है, हॉट वर्क परमिट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, ये नहीं कि इस पे एरा गेरा किसी के भी सिग्नेचर चल जाएगा, नहीं चलेगा। जो प्लांट का मैनेजर है, कोई हादसा हो जाएगा चाहे जो कुछ है, तो उसका भी सिग्नेचर होना जरूरी है, क्योंकि वही जिम्मेदार होगा, क्योंकि उसके नीचे ही सारे स्टाफ काम करते हैं। तो स्टेट मैनेजर हो सकता है, बिल्डिंग का मैनेजर हो सकता है, प्लांट का मैनेजर हो सकता है, जो अथोराइज पर्सन हो उसका सिग्नेचर यहाँ पर होगा, ठीक है। वो मान लीजिए दारा सिंह हो, जो भी दारा सिंह एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो हेड है, ठीक है, उसका साइन होगा इस परमिट के ऊपर, समझ में आ गया। अब उसके बाद लास्ट में आता सेफ्टी ऑफिसर या फायर ऑफिसर, जो भी है, जिसका जिम्मेदारी है जाके परमिट को चेक करना और सेफ्टी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो काम करना, ठीक है। तो सेफ्टी ऑफिसर अभी साइन नहीं करेगा, अगर सेफ्टी ऑफिसर साइन कर दिया तो परमिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेफ्टी ऑफिसर साइन जब करेगा, जब उस लोकेशन पे जाएगा, जैसे मैंने बताया जिस लोकेशन पे, जिस सिस्टम पे काम हो रहा है, वहां पे जाके विजिट करेगा, देखेगा अपने आंखों से कि ये काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या अगर काम हो रहा है उससे किस चीज में खतरा है कि नहीं है। जब वो पूरा इंश्योर हो जाएगा कि जी नहीं, ये काम चलने से कोई खतरा नहीं है, उसके बाद ही साइन करेगा। अगर मान लीजिए उसने बिना देखे साइन कर दिया, अगर कुछ इंसिडेंट हो गया, तो सेफ्टी ऑफिसर फंसेगा। कल के डेट में किसी के जान माल की हानि हो गई, कोई कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई होगी, तो उसमें भी सेफ्टी ऑफिसर फंसेगा। इसीलिए उसका काम है कि प्रॉपर चेक करना, उसके बाद यहाँ पे साइन करना है। तो चेक क्या क्या करना होता है, उसके बारे में मैंने आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ, उस हिसाब से चेक करना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चेक करेगा, पहले क्या चेक करेगा, मैंने आपको बता रहा हूँ कि चेक करेगा
डू द एरिया नीड आइसोलेशन एंड इट इज आइसोलेटेड ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स बिफोर अटेंडिंग द वर्क। मतलब इसका यह है कि क्या क्षेत्र को अलगावाद की आवश्यकता है, मतलब उस क्षेत्र को किसी चीज से बैरिकेड करना है, क्या यह काम में भाग लेने से पहले सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों से अलग है। मतलब मान लीजिए कि काम अगर जिस लोकेशन पे हो रहा है उसके अगल बगल से कोई भी ज्वलनशील ऐसा कुछ स्पार्क होता है तो उसमें आग उस मटेरियल में ना लगे, ठीक है। उसके आगे दोस्तों मैं आता हूँ दूसरा जो चेकलिस्ट है उसमें मैं आता हूँ कि इज द इक्विपमेंट ड्रेनेड गैस फीड फ्लशेड एंड ब्लिनेड आइसोलेटेड। मतलब इसका यह होता है कि क्या उपकरण सूखा गैस मुक्त फ्लश और मतलब सब कुछ अलग, मतलब कि हम जिस पाइपलाइन के अंदर काम कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज में काम कर रहे हैं जैसे मान लीजिए पाइपलाइन है वो क्या शट डाउन है, उसको ड्रेन कर रखे हैं, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया, पता चला हम वेल्डिंग किया उसके अंदर से पानी निकल रहा है तो हम क्या करेंगे उसको प्रॉपर ड्रेन करेंगे। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो उसको हम पहले शट डाउन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल का मेन पावर सप्लाई को बंद करेंगे, इस टाइप का काम करेंगे। दो नंबर पे उसको टिक लगाना है। उसके बाद तीसरा आता है इज द सराउंडिंग एरिया चेकेड एंड फ्लेमेबल मटेरियल रिमूवेड 10 मीटर के एरिया में। हाँ, जहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं उस एरिया में क्या करना है कि आसपास के क्षेत्र की जांच करना है और ज्वलनशील सामग्री को हटा देना है। जहाँ पे हम हॉट वर्क करना है 10 मीटर के एरिया से, मतलब 10 मीटर के एरिया में हमें क्या करना है, जितने भी ज्वलनशील मटेरियल वहाँ पर रखा है उसको हटवा देना है, जो भी करना है, नहीं तो उसको परमिशन नहीं देना है, सेफ्टी ऑफिसर का काम है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी मटेरियल है जिसको हम हटा नहीं सकते तो उसको फायर प्रूफ मटेरियल से कवर करना है ताकि कोई वेल्डिंग वगैरह की चिंगारी जाए तो उसमें आग ना लगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं चौथे नंबर पे, इज द ड्रेन पिट सीवर एंड फ्लोर ओपनिंग कवरेज प्रोटेक्टेड टू प्रिवेंशन स्पार्क। मतलब जो भी आपका जितने भी है नाली गड्ढा सीवर फर्स, मतलब जितने भी खोलने वाला जो प्रवेश जिसके अंदर से कुछ ज्वलनशील मटेरियल घुस सकता है उसको हमें कवर करना है। जैसे हम किसी बिल्डिंग की ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, हम वेल्डिंग कर रहे हैं, वो किसी चीज़ के घुस के नीचे किसी पाइपलाइन द्वारा या किसी चीज़ से वो चिंगारी नीचे जाके आग लग सकती है तो उसको हमें क्या करना है, प्रॉपर कवर करना है। आगे पांचवा नंबर पे चलते हैं, इज द कंट्रोल ऑफ वेल्डिंग स्पार्क प्रोवाइड यूजिंग वेट गमी बैग्स वेल्डिंग कर्टन। मतलब ये है कि जो हमारा पांचवा नंबर है, मतलब जो गीले बैग होता है, मतलब कोई गीले कंबल हो गया, ऐसा कुछ पर्दे, कोई ऐसा कुछ कवर करने के लिए जो वेल्डिंग स्पार्क जो होता है वो क्या करे, वो अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, वो उस कवर से बाहर ना जाए, उसको मतलब एक तरह से उसको सेफ्टी से कवर करना है, ठीक है। छः इज प्रॉपर लाइटिंग एंड प्रॉपर मीन्स ऑफ एग्जिट अवेलेबल प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे काम हो रहा है प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए और एग्जिट क्लियर होना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान क्या है कि जो काम करने वाला वर्कर है वो तो तुरंत बिल्डिंग से बाहर या वर्क प्लेस से बाहर सेफ असेंबली या सेफ जगह पहुँच सके, ऐसा ना हो कि आग लगने पर उस आग के अंदर फंस जाए, और उसको दिखाई देने के लिए प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें ध्यान देनी है आपको, ध्यान रखें इस चीज़ को। चलते हैं दोस्तों आठवें नंबर पे कि आर वेल्डिंग केबल इज गुड कंडीशन, नो कट, नो वेयर कंड्यूटर्स एक्सपोर्ट। मतलब जो भी आपका जो आठवां नंबर है, अच्छी स्थिति में वेल्डिंग केबल होना चाहिए। जो वेल्डिंग केबल है जिससे मतलब इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग कर रहे हैं उसका केबल अच्छी स्थिति में होना चाहिए, कोई कट या कोई नंगे तार वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर स्टाफ काम कर रहे हैं उसको
उस चीज़ से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट लग सकती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देने वाले है, उसके ऊपर टिक लगाना है कि नहीं ये ओके है, ठीक है। नवा पे आते हैं दोस्तों, आर द रिक्वायर्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ध्यान देने वाली बात है कि जो काम कर रहा है उस खतरे के हिसाब से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए, वेल्डिंग शील्ड होना चाहिए, लेडर हैंड ग्लव्स होना चाहिए, अफ्रेन होना चाहिए जो अफ्रेन होता है, हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी ग्लासेस होना चाहिए, शूज होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, ये सभी अरेंजमेंट होना चाहिए। नवे नंबर पे मैंने आपको बता दिया, ये सब चीज़ रहेगा उसके बाद ही परमिट को अप्रूव करना है सेफ्टी ऑफिसर को। दसवें नंबर पे चलते हैं दोस्तों, दसवें नंबर पे आता है इज द वेंटिलेशन, मतलब वहाँ पे वेंटिलेशन मतलब जो वेल्डिंग हो रहा है वहाँ पे वेंटिलेशन है कि नहीं पता चला, बंद कमरे में वेल्डिंग हो रहा है, आदमी घुटन से ही मर जाए, तो धुएं निकलने के लिए कोई मतलब वहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है जो कुछ हो वहाँ पे धुआं होगा, धुएं निकलने के लिए पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेशन होना चाहिए, वहाँ पे धुआं जमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों 11 नंबर पे लिखा है इज द वेल्डिंग सेट, ठीक है, वहाँ पे वेल्डिंग सेट इंजारेड थ्राउट द अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB एंड अर्थ अठेर, मतलब जो भी जो अपना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप जानते ही हैं वो क्या होता है, किसी सर्किट ब्रेकर से जुड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का है, उसका प्लग हम जहाँ पे जोड़ेंगे वहाँ पे मतलब इमरजेंसी पड़ने पे हम उसका पावर सप्लाई झट से बंद कर दें, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। मतलब वहाँ पे एक ब्रेकर स्विच लगा होना चाहिए ऐसा, जो ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाए लोड पाने पे, अर्थ लीकेज होने पे ट्रिप कर जाए। और आजकल बहुत सारे ब्रेकर उस टाइप के आते हैं, तो उससे जुड़ा होना चाहिए, जैसे MCB हो गया, जैसे क्या होता है लोड आने पे ट्रिप कर जाएगा ऑटोमेटिक, नहीं तो तुरंत आप बंद कर दोगे, ठीक है। 12 नंबर पर चलते हैं दोस्तों, इज द ग्राइंडर गार्ड, हाँ जो जो वेल्डिंग मशीन के अलावा भी जो ग्राइंडर गार्ड होता है जिससे हम कटिंग फटिंग करते हैं उसमें से बहुत सारा चिंगारी वगैरह निकलता है, ग्राइंडर गार्ड इज द पोजिशन द जॉब रेस्ट एंड टू गैप मटेरियल विज द 4 से 5 mm, मतलब ये है कि जो हमारा ग्राइंडर गार्ड उसके ऊपर जो कवर लगा होता है, जो ब्लेड उसके अंदर घूमता है उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, जो उंगली वगैरह जो है हमारा उसके ऊपर ना जाए उसके लिए एक गार्ड लगा होता है जिसमें 4 से 6 mm का गैप बना होता है, मतलब आपका उंगली जो है उसके ऊपर गलती से ना जाए, वो कवर रहे, वो चिंगारी भी क्या करता है कवर उस चिंगारी को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, तो आपका हाथ सुरक्षित रहेगा, ठीक है। 13 नंबर पे चलते हैं, आर द गैस सिलेंडर माउंटेन ऑन ट्रॉली सिक्योरेड, मतलब जो गैस वेल्डिंग होता है, आपने गैस वेल्डिंग होता है वहाँ पे क्या होता है कि एक LPG या फिर वैसे LPG अलाउ नहीं है वेल्डिंग गैस में, एक DA गैस होता है, ज्वलनशील गैस होता है, एक ऑक्सीजन जो कि जलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, वो दोनों सिलेंडर को मिक्सचर बना के वेल्डिंग किया जाता है जिससे कि ज़्यादा गर्मी होती है, वेल्डिंग अच्छी से होती है। तो क्या होता है कि उन दोनों सिलेंडरों को प्रॉपर एक ट्राली के ऊपर होना चाहिए, उस ट्राली के ऊपर एक चैन से बंधा होना चाहिए ताकि किसी स्टाफ के गलती के कारण अगर वो सिलेंडर गिर गया तो गिरने के बाद क्या होता है कि उसका वाल्व कई बार टूट जाता है, तो गिरने पे उसके ऊपर वाल में चोट लगेगा, टूट जाएगा तो वहीं पे ब्लास्ट कर जाएगा, वहीं पे एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए उस सिलेंडर के ऊपर सुरक्षित तरीके से ट्राली के ऊपर दोनों बंधे होने चाहिए या चैन से लॉक होने चाहिए, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। 14 नंबर पे चलते हैं दोस्तों, इज द गैस होज पाइप इज गुड कंडीशन टेस्टेड एंड IAS कलर कोडेड, मतलब जो उसका गैस पाइपलाइन है वेल्डिंग वाला वो इंडियन स्टैंडर्ड का एक कोड होता है उस पर लिखा होना चाहिए, उसके इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसका भी एक्सपायरी डेट होता है दोस्तों, वो भी चेक कर लेना,
और वो प्रॉपर अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, कहीं से गैस वगैरह लीकेज होने का चांस नहीं होना चाहिए, या पता चला वेल्डिंग करते टाइम बीच से कहीं टूट गया, लीकेज हो गया, वो सब चीज़ चेक कर लेना चाहिए। तो अच्छी हालत में परीक्षण होना चाहिए, ठीक है। पांचवा आता है दोस्तों, इज द वेल्डिंग टॉर्च प्रोवाइडेड विथ फ्लैश बैक अरेस्टर। हाँ दोस्तों, ये क्या होता है, जब आप वेल्डिंग करते हैं उसमें एक अरेस्टर लगा होता है, उसमें क्या होता है फ्लैश बैक, मतलब जो वेल्डिंग करते हैं तो बैक आता है, तो उसको एक प्रोटेक्शन, एक अरेस्टर लगा होता है, जो मसाल जो जहाँ पे वेल्डिंग होता है वहीं पे लगा होता है, तो वो क्या करता है, वो बैक नहीं आता, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। 16 नंबर पर चलते हैं दोस्तों, इज द एरिया लोकेशन एक्सेसिबिलिटी फ्री ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन। मतलब ये है कि 16 नंबर पे क्षेत्र के स्थान किसी भी बाधा से मुक्त होना चाहिए, मतलब कोई इमरजेंसी हो गया, कुछ हो गया तो पता चला, कोई ब्लास्ट हो गया, कहीं आग लग गया तो आप उसी के अंदर फंस गए, तो ऐसा जगह होना चाहिए कि तुरंत आप वहां से निकल के भाग सके, रूट अच्छी होनी चाहिए, बीच में रास्ते में कोई सामान मटेरियल नहीं पड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, क्या मतलब अलार्म, जो फायर अलार्म जो होता है, फायर अलार्म आइसोलेटेड, मतलब जहाँ पे वेल्डिंग करेंगे वहाँ पे क्या फायर अलार्म ऑटोमेटिक बजने लगता है, आपको भी पता है धुएं से, तो उसको हमें क्या करना है, उस दौरान उसको बंद करके रखना है, कैप लगा के रखना है कि फाल्स अलार्म बिना मतलब का अलार्म ना आ जाए, तो उस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। 18 नंबर पर चलते हैं दोस्तों, आर द अप्रोप्रिएट फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइडेड वाटर टाइप, फोम टाइप, CO2 टाइप, DCP टाइप, ETC। आप चाहे तो फायर डिलीवरी होज पाइप भी फैला सकते हैं वहाँ पे। तो 18 नंबर का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई गलती हो गया, कोई सी आग लग गई, उसके बाद बुझाने का कोई व्यवस्था है कि नहीं, मतलब वहाँ पे मतलब आप वाटर नहीं चला सकते, अगर कोई वेल्डिंग चल रहा है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग चल रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ पे उस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला इक्विपमेंट होना चाहिए। 19 नंबर पे चलते हैं दोस्तों, आर द अवेलेबल स्प्रिंकलर होज स्टीम एक्सटिंग्विशर इन द सर्विस ऑब्जर्वेबल। मतलब ये है कि क्या निकट कोई मतलब स्प्रिंकलर, मतलब आप बुझाने का यंत्र है, मतलब आग लग गई तो वहाँ पे क्या फायर हाइड्रेंट ऐसा कुछ जुगाड़ है जो कि आग को तुरंत ऑटोमेटिक बुझा लेंगे, या फिर आदमी द्वारा चलाकर बुझा लिया जाएगा, वो भी इसमें टिक लगाना, कई जगह पे नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आपके बिल्डिंग में है तो ये चीज़ होना चाहिए उसके पास, ठीक है, एक अलग से ऑप्शन दे रखा है। अब चलते हैं दोस्तों 20 नंबर पे, 20 नंबर पे दिया है, इज द लोकेशन ऑफ नियरेस्ट फोन सेफ्टी शावर ई वास फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब ये सब चीज़ें जो अपना जो वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पर हो सकता है आपके आँख में कोई वेल्डिंग का टुकड़ा चला गया, आपकी आँख जलन करने लगे, तो आँख को तुरंत उस टाइम धोना पड़ता है, तो पानी की व्यवस्था जरूर होना चाहिए वहाँ पर, बेशक नल ना लगे, एक बाल्टी पानी वहाँ रखना है आँख को धोने के लिए, ध्यान रहे ये चीज़ प्रोवाइडेड होना चाहिए वहाँ पे, ताकि आँख में कुछ हो गया तो तुरंत हम उसको धो लें, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर तो होना चाहिए, उसके बारे में मैंने बताया था, और वहाँ पे इमरजेंसी के कारण कोई छोटा है तो इमरजेंसी कंट्रोल रूम में हम तुरंत संपर्क करने के लिए फ़ोन या ऐसी कोई सुविधा होना चाहिए, ठीक है। 21 नंबर पर चलते हैं दोस्तों, 21 नंबर पर हमारा है, हैव द वर्कर अटेंडिंग द वर्क बीन इन्फॉर्मेड अबाउट द इमरजेंसी प्रोसीजर, ठीक है। इसका मतलब यह है, क्या आपातकालीन जब कोई इमरजेंसी हो जाता है उसके दौरान उसको क्या करना है उसके बारे में उसको मालूम होना चाहिए, वो ट्रेंड होना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर का काम है ये चीज़ जनरली उसको पता देना है कि वहाँ पर अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है आप किससे संपर्क करोगे, क्या करोगे, सब कुछ उसको बताना है, इन्फॉर्म करना है, ठीक है। 22 नंबर चलते हैं दोस्तों, इज द फायर वॉच प्रोवाइडेड इन द ट्रेनेड इन द यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब ये है कि क्या आग की मतलब जब आग लग जाएगी, ऐसी कोई स्थिति हो जाएगी, तो
तो आग बुझाने के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो चाहे फायरमैन हो, उसे होना तो चाहिए फायरमैन। जहाँ पे काम जब तक चलेगा वहाँ फायरमैन की ड्यूटी लगी होनी चाहिए, वहाँ खड़ा होना चाहिए कि कभी कुछ हो गया तो वो क्या करेगा, तुरंत उससे निपटेगा, आग को बुझाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आना चाहिए, ऐसा एक व्यक्ति वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, 23 नंबर चलते हैं दोस्तों, आर द टूल्स एंड टेकलेस हैव बीन रिमूव्ड आफ्टर द वर्क। अब दोस्तों आ गया जब काम खत्म होना है, उसके बाद परमिट को क्लोज करने का टाइम आ जाता है, तो वहाँ पे क्या करना है कि वहाँ पे ये देखना है कि काम होने के बाद कोई टूल्स वगैरह हटा दिया गया है, प्रॉपर सफाई कर दिया गया है। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि आने वाला समय में कोई वेल्डिंग हो गया, पता चला उसको कवर नहीं किया, कोई सेफ्टी गार्ड नहीं किया, ऐसा किसी वजह से फिर से कोई दुर्घटना हो जाए, तो दोबारा जाके परमिट क्लोज करते टाइम उस चीज़ को चेक करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपने जो चेकलिस्ट मैंने आपको दिखाया, उस चेकलिस्ट में हर एक चीज पॉइंट को आपको चेक करनी है, सभी केबल चेक करनी है, वेल्डिंग मशीन चेक करनी है, सिलेंडर के जैसे मैंने बताया उसको सारा कुछ प्रॉपर चेक करने के बाद ही सेफ्टी ऑफिसर साइन करेगा। अदरवाइज अगर आप साइन कर देते हो, उससे कंप्रोमाइज कर लेते हो, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप फंसोगे। आप क्या करना है कि अगर उसमें से कुछ नहीं है तो आप उस पर साइन मत करो, बोलो कि भैया ये तो अनसेफ है, हम साइन नहीं करेंगे। आप मान लीजिए गलती कर दिए, अगर कोई आपके ऊपर प्रेशर डालता है कि नहीं जी आप साइन करो, तो फिर बोलो कि फिर परमिट का मतलब क्या हुआ, परमिट किस लिए बनता है जब आप प्रेशर डाल रहे हो। परमिट का मतलब ये है कि वो प्रॉपर फॉलोइंग होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको कुछ, मेरी इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, कुछ ऐसा होगा तो उसके लिए माफ़ कर देना, और कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।